नल्लू? हाँ, ओ तुम इसकी वाइफ हो है ना? सॉरी, एक्चुअली जिगर और मैं बचपन के दोस्त हैं, और पता है बचपन में ये मुझसे बहुत पिटता था। दक्षा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम भी तो नहीं बदली हो। बड़े होकर बचपन के खेल नहीं खेले जा सकते। श्रद्धा, मुझे हंसा बेन ने इस प्रतियोगिता के बारे में बताया। आप ये पौधा हमारे घर ही छोड़कर जाएं। हमारे घर से कोई ना कोई सदस्य इसमें भाग अवश्य लेगा, और जो भी भाग लेगा उसका नाम हम आपको सूचित कर। जय श्री कृष्ण। जिगर, राशि, तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। अरे वाह, फट्टू पति की पत्नी में फट्टू। दक्षा, जाओ यहां से। यथा माता तथा पुत्री। राशि, तुम दक्षा की बातों पर ध्यान मत दो, ये तो शुरू से ही ऐसी है। जाओ तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। बच्चा, कहीं वो कितने जल्दी नहीं मिलेगा। मुझे जो भी चीज चाहिए वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। मेरा तो नसीब ही खोता है। मोटा भाभी, ये बात तो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया में समय लगता है, पर राशि के उत्साह को देखते हुए अब ये बात उसे कैसे समझाया जाए, आप ही बताइए मोटा भाभी, अब क्या कर सकते हैं? कोकिला, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हमें हमें राशि का ध्यान बटाना होगा, वरना मेरी बच्ची बीमार पड़ जाएगी। तो करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, जब तक वो बेबी नहीं आता तब तक इस बेबी से काम चला लो। माँ, दिख रहा, मैं जानती हूं तुम अभी बहुत निराश हो रही हो। सच कहें ना बेटा, तो हम भी बेबी का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बेटा, इन सारी चीजों में वक्त तो लग ही जाता है, तुम्हें सब्र करना तो सीखना ही होगा। राशि बहन, हम सब सोच रहे थे आप इस बागवानी प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लेती। देख, मुझे इस समय कोई बागवानी सागवानी प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना है। राशि दिख रहा,
तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। तुम्हें इस तरबूज का बहुत ख्याल रखना होगा। ये इतना बड़ा और इतना मीठा हो जाना चाहिए कि इनाम के 40,000 रुपए तुम ही जीत जाओ। हाँ राशि बहन, मैं बगीचे की देखभाल करूंगी और आप इस तरबूज के पौधे का। मैंने कहा ना, मेरा मन नहीं। अच्छा, पर हूँ तो सोचती होती कि अगर तो ऐसा कर लेती तो वो दक्षा का मुंह तो जवाब मिल जाता। तुझे याद है ना, उसने तुझे क्या कहा था? फट्टू, तुझे और जिगर को भी। अरे हाँ, पक्त फट्टू नहीं, लल्लूपन। वाह, आप जानती है ना दक्षा कैसी है, वो तो बचपन से ऐसे कुछ भी बोलती है।